दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित 102 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को बीएड प्रवेश परीक्षा प्रथम और द्वितीय पाली में संपन्न हुई। परीक्षा देकर वापस आ रहे परीक्षार्थियों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि पेपर बहुत आसान था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, मेरिट अच्छी जाएगी। 100 प्रश्न के लिए 3 घंटे का समय पर्याप्त था, आसानी से सारे प्रश्नों को हल करने का मौका मिला। जनरल नॉलेज के सवाल बहुत अच्छे आए थे, परंपरागत सवाल ज्यादा आए थे। इस दौरान विश्वविद्यालय के गेट पर परीक्षार्थियों की भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हो गई और आवागमन बाधित हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों परीक्षा कोऑर्डिनेटर हिमांशु चतुर्वेदी और एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने कहा। वीडियोग्राफी कर अच्छे से ले लीजिए। पेपर सही था, एकदम सरल आया था, एकदम बहुत बढ़िया था। अरे 85% बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। बीएड एंट्रेंस बहुत नॉर्मल थे, जो है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे। हम लोग हर कंपटीशन का पेपर देते हैं, इसमें समय भी भरपूर मिला हुआ था हम लोग को। 3 घंटे का समय 100 क्वेश्चन में पर्याप्त था। इजी था, बट इतना भी इजी नहीं था, नॉर्मल था, मीडियम पेपर था। मेरिट हाई जाने वाला है, मेरिट हाई जाएगा। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, इंग्लिश का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा। पेपर था 3 सेक्शन में था वो, और पहले सेक्शन में जीएस था और सेकंड सेक्शन में हिंदी एंड थर्ड सेक्शन इंग्लिश था। उसमें से एक अटेम्प्ट करना था तो मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, और जीएस इजी था, ऐसा कुछ खास टफ नहीं था। बस मेरिट तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो वैसे भी नहीं कर सकते। थैंक यू। नॉर्मल था, क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी के। क्या उम्मीद कर रही हो? जाएगा, कौन कहता है नहीं। किस तरह के पेपर आया? नॉर्मली वही परंपरागत क्वेश्चन पूछे थे भाई, पेनिसिलिन की खोज कौन किया, और जैसे संधि था, समास था, वही नॉर्मल क्वेश्चन आया था। पेपर बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, समय भी अधिक था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। पेपर बहुत ही बढ़िया था। क्या आया था? अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया पेपर आया। हाँ, मतलब जो थे वो किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन? सवाल कैसे हिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बहुत डीप से क्वेश्चन। हाँ, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा था और अच्छा था, बहुत अच्छा था। 5776 विद्यार्थी जो थे वो परीक्षार्थी यहाँ पर पंजीकृत थे। पहली पारी में लगभग 3276 ने छोड़ी है, और दूसरी पारी में 3400 कुछ ने छोड़ी है, एब्सेंट रहे जो अनुपस्थित रहे जो छात्र। बाकी 102 केंद्र थे यहाँ पे, और उन 102 केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई है। किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की कोई अप्रिय समाचार या त्रुटि का समाचार नहीं प्राप्त हुआ। बीएड की परीक्षा रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, और गोरखपुर को 102 सेंटर्स में एग्ज़ाम कराने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। 102 सेंटर पर ये परीक्षा सुबह में 9 से 12 और दोपहर में 2 से 5 दोनों पालियों में हुई है, और 3482 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, सुरक्षित सारा एग्जामिनेशन मटेरियल वापस डबल लॉक में प्राप्त हो गया है और इस समय रिसीव किया जा रहा है।